नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवरग्रीन सेक पर, जहां आप सभी को खेती किसानी और कृषि विभाग से संबंधित नए नए अपडेट जानकारियां मिलते रहती हैं। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए नियम के बारे में। तो यह एक केंद्रीय योजना है जिसमें पूरे भारत से बड़ी संख्या में किसान बंधु जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए का आर्थिक मदद खेती किसानी करने के लिए 3 किस्तों में 2,000 रुपए के हिसाब से उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से दिया जाता है। और वहीं योजना प्रारंभ से अभी तक कुल 14 किस्तों का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जा चुका है और अब अगला 15वां किस्त जल्द ही किसानों के खाते में मिलने वाला है। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा? तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन किसान हैं और साथ ही जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए नियम के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को इसी तरह नए नए अपडेट जानकारियां हमेशा कृषि विभाग से संबंधित मिलते रहे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किन किसानों को नहीं मिल पाएगा अगले किस्त का लाभ, जिसमें पहला है सरकारी नौकरी करने वाले या टैक्स पे करने वाले, या जो फर्जी गलत तरीके से योजना में पंजीयन कराए हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ। बल्कि ऐसे किसानों की जांच लगातार चल रही है और अपात्र पाए जाने पर उनसे रिकवरी तक वसूल की जा रही है। दूसरा है, यदि किसान अभी तक योजना के तहत EKYC, भू सत्यापन, लैंड सीडिंग, आधार बैंक सत्यापन, आधार सीडिंग सहित अन्य जरूरी कार्य तय समय में पूरा नहीं कराए हैं तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसानों को ये काम करवाना जरूरी है, वरना ऐसे किसान किस्त से वंचित रह जाएंगे। तो आप सभी जल्दी से जल्दी ये काम को पूर्ण करा लें। तीसरा है, बहुत सारे नए पंजीयन कराने वाले किसान यदि फॉर्म भरते समय इन चीजों को गलत दर्ज कर दिए हैं, जैसे नाम, पता, जेंडर, आधार नंबर, तो ऐसे किसान को भी किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। चौथा है, जिन्होंने आवेदन करते समय यदि बैंक खाता की जानकारी गलत दर्ज किए हैं या अपने बैंक खाते से आधार नंबर को लिंक नहीं कराए हैं और अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक नहीं कराए हैं, तो ऐसे किसान को भी किस्त से वंचित रहना पड़ेगा। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनको आप तय समय में यदि सुधार नहीं करते हो या पूरा नहीं करते हो तो आप अगले किस्त से वंचित रह जाओगे। आइए अब बात करते हैं PM किसान के नए नियमों के बारे में। तो मिली जानकारी के आधार पर एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को PM किसान योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा है, ऋण पुस्तिका या B1 में सिर्फ नंबरदार जो किसान होगा उसे योजना का लाभ मिलेगा, बाकी हिस्सेदारों को अगर लाभ लेना है तो पट्टा अलग कराना होगा या खसरे के आधार पर पंजीयन करवाना होगा। तीसरा है, जो किसान 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन की खरीदी किए हैं उन किसानों को PM किसान योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाएगा। चौथा है, पूर्व के पंजीकृत किसान का यदि फौत हो जाता है तो उस पट्टे में जिसका नाम जुड़ेगा या जो उत्तराधिकारी बनेगा उसके नाम से पंजीयन किया जा सकेगा। तो ये हैं कुछ नियम जिन्हें आप ध्यान में रखकर योजना का लाभ ले सकते हैं। और वहीं आप सभी को बताता चलूं कि 15वीं किस्त के लिए तैयारी शुरू हो गई है, पंजीयन की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और मिली जानकारी के आधार पर नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक 15वां किस्त सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। बस आप सभी पंजीकृत जो भी सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान हैं वो जल्द से जल्द EKYC, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग का कार्य पूर्ण करा लें। और नए पंजीयन कराने वाले खास कर इस बात का ख्याल रखें कि आवेदन भरते समय आपके नाम की स्पेलिंग, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और पता ये दर्ज गलत ना हो, नहीं तो योजना से वंचित रह सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह आपके नए नए अपडेट जानकारियां मिलते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले नए वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।